बेगूसराय में सड़क दुर्घटना का शिकार बनकर घायल वृद्ध के इलाज के दौरान शहर के निजी अस्पताल में चौथे दिन मौत हो गई। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल की बताई जा रही है। मृतक की पहचान सहायक थाना सिंघौल क्षेत्र के नगर निगम वार्ड संख्या 1 सिंघौल के रहने वाले वाले जागो साहू का लगभग 60 वर्षीय पुत्र योगेंद्र साहू के रूप में की गई है। बताया जाता है कि बीटेक प्लम्बर का काम करता था और बुधवार को वह बेगूसराय से मजदूरी कर अपने साइकिल से घर सिंघौल गांव लौट रहा था। तभी पासीखाना चौक सिंघौल स्थित NH 31 पर बोलेरो की चपेट में आकर हादसा का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों ने बताया कि आनन फानन में घायल को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार को उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंच सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज कर आगे की जाँच में जुट गई है। बुधवार को कहाँ कहाँ जा रहे थे, कहाँ गए थे? बेगूसराय से जा रहे थे अपने घर। कौन गांव? सिंघौल। अच्छा जी, तब क्या हुआ? वो साइकिल से बैक कर घूम रोक कर क्रॉसिंग करने के बाद ना, ये इसको बैक वाला अथी मोटरसाइकिल अथी बेलोरो वाला ने मार दिए धक्का। तीन गो हमारा तो जो है तो वही ना। नहीं, उस घटना में क्या हुआ था? वो घटना में तो चार गो था। चार गो को जख्मी कर दिया था? हाँ, जख्मी कर दिया। एक गो तो एक्सपायर। अच्छा, एक गो तो ये एक्सपायर हो गया। उसके बाद क्या किए आप? अब हम उसको बाद हॉस्पिटल में गए। क्या दिन रहे अस्पताल? हॉस्पिटल में तीन दिन से थे। आज क्या हुआ? आज एक्सपायर कर गए। तो कौन चौक पर घटना घटी थी? सिंघौल चौक पर, पसीखाना चौक। कौन काम करते थे? ये फिटर थे, प्लम्बर फिटर थे। कहाँ से काम करके जा रहे थे? बेगूसराय से काम करके। आप कहाँ पर काम करते थे? तो सरकारी काम नहीं है ना। क्या नाम है इनका? जोगिंदर साहब। कितना उम्र है लगभग? 60-65 का है। जागो साहब, जागो साहब। घर? घर सिंघौल। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 2। एक वार्ड नंबर एक। कौन है आपके? ये हमारा चाचा लगते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम बॉबी साहब है। बॉबी? हाँ।